नमस्कार। आज ME 306 विषय के ऑटोमेटिक मशीन्स में सिंगल स्पिंडल मशीन के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक मशीन्स, इन मशीन टूल में कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली मशीन होते हैं और पार्ट्स का डुप्लीकेशन बिना ऑपरेटर के पार्टिसिपेशन के होता है। कटिंग टूल का मूवमेंट, ऑपरेशंस, उनके जो रॉ मटेरियल की फीडिंग, पार्टिंग और अनलोडिंग इत्यादि स्वतः होती है। सारे वर्किंग और आइडल ऑपरेशन एक सीक्वेंस में संपन्न होते हैं। शुरू में बार स्टॉक को लोडिंग ऑपरेटर के द्वारा किया जाना होता है और उसके बाद में सभी ऑपरेशन इन मशीन में ऑटोमेटिकली होते हैं। ये मशीनें जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर काम में ली जाती हैं। इन मशीनों के लाभ निम्न अनुसार हैं। एक, निश्चित समय में अधिक उत्पादन। फ्लोर, गिवन फ्लोर स्पेस के लिए ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, तो फ्लोर स्पेस कम यूज होता है। एक्यूरेट वर्क प्राप्त होता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूस होता है और स्क्रैप लॉस भी कम होता है। और ऑपरेटर मशीन के ऑपरेशन के दौरान दूसरी मशीन को इंस्पेक्ट करने अथवा अटेंड करने के लिए फ्री होता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन, इस तरह की मशीन चेकिंग वर्क के लिए काम में लेते हैं। इसमें भी वर्क पीस और टूल का मूवमेंट ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है, परंतु वर्क पीस को लोड और अनलोडिंग और हर एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन होता है उसमें शुरुआत और अंत में ऑपरेटर को करना होता है। मशीन साइकिल ऑटोमेटेड होता है, परंतु वर्क पीस को लोडिंग अनलोडिंग के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, किस प्रकार का वर्क उस मशीन पे किया जाना है उसके अनुसार ये मशीनें मैगजीन लोडेड ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक बार मशीन कहलाती हैं। मैगजीन लोडेड ऑटोमेटिक्स में प्रत्येक कंपोनेंट के लिए सेपरेट ब्लैंक्स होते हैं और इस तरह से इनको हम चेकिंग मशीन भी कहते हैं, ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन। जबकि ऑटोमेटिक बार मशीन में एक बार कंटिन्यूसली फीड होती है। इस प्रकार की मशीनें हाई क्वालिटी फास्टनर्स, स्क्रू नट, बुशिंग शाफ्ट, रिंग, रोलर्स, हैंडल्स इत्यादि के लिए उपयोगी होती है। नंबर ऑफ वर्किंग स्पिंडल के अनुसार ऑटोमेटिक मशीन को हम सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक और मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन में टरेट टाइप स्क्रू मशीन और स्विस टाइप स्क्रू मशीन के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है, जबकि मल्टी स्पिंडल में जो अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल्स होता है उसके अनुसार भी हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल मशीन और पर्पज के अनुसार जनरल या सिंगल पर्पज मशीन के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। टरेट टाइप सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन इस चित्र में दिखाई गई है, जिसमें ये एक ट्रेट होता है जिसमें टूल्स लगे हुए रहते हैं और ये स्लाइड करता है। हेड स्टॉक में एक बार स्टॉक लगा हुआ रहता है और यहाँ मोटर है, कैम शाफ्ट, लीड कैम दिखाई गई है, इसमें क्रॉस स्लाइड है और ऊपर से एक थर्ड टूल्स स्लाइड अलग से होती है इसके अंदर। ट्रेड टाइप सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन लगभग 12.7 से 60 mm डाय के स्क्रू के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है और इसके अलावा छोटे टर्न पार्ट्स होते हैं उनका इससे उत्पादन किया जा सकता है। ये ट्रेड लेथ जैसी ही होती हैं, परंतु इसमें बार फीडिंग ऑटोमेटिक होती है और सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली संपन्न होते हैं। इसमें
10 विभिन्न प्रकार के टूल्स लगाए जा सकते हैं। दो क्रॉस स्लाइड होती हैं, जो कि एक वर्टिकल टूल स्लाइड भी होती है जो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन के लिए काम में ली जाती है। हेड स्टॉक स्टेशनरी रहता है और इसके अंदर स्पिंडल होता है। बार स्टॉक को कोलेट चक में पकड़ा जाता है और हरेक पीस के बाद में ऑटोमेटिकली एडवांस होता है। सारे मशीन के मूवमेंट्स हैं वो कैम शाफ्ट पर लगी हुई कैम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। बार स्टॉक स्टॉक ट्यूब में पुश किया जाता है, एक ब्रैकेट होता है, और रोटेटिंग स्पिंडल में कोलेट चक के द्वारा पकड़ा जाता है। स्टॉक फीडिंग मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा इसको कटिंग ऑफ पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन के बाद में नेक्स्ट पार्ट के लिए फीड किया जाता है। टरेट के ऊपर जो टूल माउंट होता है उससे अगर हमें पार्ट के अंदर सेंट्रली होल करना होता है तो उससे संपन्न होता है। पार्टिंग ऑफ कटिंग ऑफ फॉर्म टूल ये सब क्रॉस स्लाइड पर माउंटेड होते हैं। हर एक के कट के बाद में टरेट स्लाइड ऑटोमेटिकली पीछे आती है और नेक्स्ट टूल की पोजीशन के लिए इंडेक्स होती है। दूसरी तरह की सिंगल स्पिंडल मशीन है स्विस टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन, जिसमें कि हेड स्टॉक स्लाइड करता है। मुख्य अंतर यह होता है कि टरेट टाइप ऑटोमेटिक मशीन के अंदर टरेट होता है और हेड स्टॉक स्थिर होता है, जबकि स्लाइडिंग हेड स्टॉक के अंदर स्टॉक ट्यूब से बार इसके अंदर पकड़ी जाती है और हेड स्टॉक मूव करता है। स्विस टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन के प्रिंसिपल बताया गया है, जिसमें कि 5 टूल स्लाइड होती हैं, जिनमें टूल रेडियल डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर रेडियल डायरेक्शन में टूल मूव करते हैं टूल स्लाइड्स के अंदर। और जब ड्रिल करना होता है तो ये सामने की ओर से टूल लगाकर किया जा सकता है। जॉब की गाइड के लिए यहाँ बुश गाइड बुश रहता है, जिससे कि जॉब वाइब्रेट नहीं करता और उसके ऊपर ऑपरेशंस के लिए टूल स्लाइड्स जो हैं इस जॉब गाइड के पास में रहने से जॉब की चैटरिंग कम की जा सकती है। स्विस टाइप ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन में हेड स्टॉक मूवेबल होता है और टूल्स फिक्स होते हैं, टूल्स का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं होता है। दीज मशीन्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग एक्यूरेट पार्ट्स, और इसमें छोटे डायमीटर 2 से 25 mm तक के डायमीटर के पार्ट्स के लिए यूज में लेते हैं। बार स्टॉक को रोटेटिंग कोलेट के अंदर पकड़ा जाता है हेड स्टॉक के अंदर, और लॉन्गिट्यूडनल फीड कैम्स के द्वारा प्राप्त की जाती है और पूरी हेड स्टॉक यूनिट कैम्स के द्वारा मूव की जाती है आवश्यकता अनुसार। रोटेटिंग बार स्टॉक को हार्ड बूस्ट के थ्रू फीड करते हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया, इससे चैटरिंग नहीं होगी और क्लोज कंट्रोल रहेगा। टूल हेड के अंदर 5 सिंगल पॉइंट टूल्स होते हैं जो कि रेडियली मूव करते हैं। ज्यादातर डायमीटर टर्निंग 2 हॉरिजॉन्टल स्लाइड से होती है। दूसरी 3 स्लाइड दूसरे ऑपरेशन जैसे नर्लिंग, चैम्फरिंग और कटिंग ऑफ के लिए काम में ली जाती है। ये 5 रेडियल टूल्स को इनको इनकी कंट्रोलिंग और पोजीशनिंग कैम के द्वारा की जाती है। इस मशीन के द्वारा हम बहुत ही क्लोज टॉलरेंस प्राप्त कर सकते हैं एज गुड एज ग्राइंडिंग। धन्यवाद। आज के लेक्चर में हमने सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में जानकारी ली।